केंद्र सरकार और सिंधु एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी अयोध्या के द्वारा 3 दिवसीय सिंधी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां इस प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह और संस्था के अध्यक्ष सुमित माखेजा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यशाला में 40 सिंधी शिक्षकों ने प्रतिभाग लिया। 3 दिवसीय कार्यशाला में प्रतिदिन 4 सत्र चलेंगे, जिसमें सिंधी पढ़ाने के विभिन्न तरीके सिखाए जाएंगे। विकास परिषद भारत सरकार भाषा विभाग का कार्यक्रम है, जो कि हमारी संस्था सिंधु एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी जो कि अयोध्या में कार्यरत है, इसके सहयोग से हो रहा है। यह NCPSL हर साल जो है इसका एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम कराता है। यह टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें कि जो सिंधी शिक्षक हैं जो कि हमारे सिंधी बच्चों के कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, जो NCPSL से हर साल सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा के कोर्सेज की पढ़ाई होती है। यह जो अध्यापक इसमें पढ़ाते हैं, यह जो कोर्स ट्रेनिंग चल रही है, यह उन टीचर्स की ट्रेनिंग है कि वह इसको और बेहतर कैसे कर सकें, बच्चों को और बेहतर कैसे समझाया जा सके, या आज के समय से किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए कि सिंधी भाषा पढ़ने के लिए हमारे बच्चों के अंदर और उत्साह पैदा हो और रुचि पैदा हो और हमारी भाषा का संरक्षण और संवर्धन अच्छे से हो सके। जी, इनकी वर्कशॉप है हमारी ये, और तीनों दिन हमारे दूसरे फैकल्टीज आएंगे। आज हमारे 2 फैकल्टी जो लखनऊ से आए हुए हैं, कल 1 गोरखपुर से आएंगे, उसके बाद 2 हमारे यहाँ लोकल हमारे शहर गए होंगे फैकल्टी। और जो हमारा मोटिव है इसके पीछे कि जो हमारी भाषा है जो कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है, हम उसे बचा के रखें। हर कोई अपनी मातृभाषा को बचाना चाहता है, वही एक मुहिम लेके हम भी चले हैं कि हम अपनी मातृभाषा।